बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको डॉलर रेट और रियाल रेट से अपडेट करूंगा, यानी कि रियाल रेट से मुतल्लक ही वीडियो रोज मैं शेयर कर रहा हूँ। रोज बाई न्यू रेट ही सामने आ रखे हैं। आज का रेट आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, इसके करीब पहुंच चुका है, यानी 50 के करीब को जो भी है जी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और एक बात जो मैं अक्सर वीडियो में करता हूँ वो ये है कि तमाम तर परदेशियों को इससे खुशी तो होती है जब रियाल रेट एंड डॉलर रियाल रेट बढ़ता है, तो उसके बाद बात यह है कि पाकिस्तान में महंगाई भी उस हिसाब से बढ़ती है भाई। तो बहरहाल आज के रेट के मुतालिक बात कर लेते हैं। पहले आपको मैं डॉलर का रेट दिखा दूं, 184.44 रुपये था कल का रेट और आज 185.92 रुपये हो चुका है, यानी कि ओपन मार्केट में भाई डॉलर इस वक्त 187 रुपये से 188 रुपये में फरोख्त हो रखा है, यानी कि कल आने वाले दिन में डॉलर मजीद 1 से 2 रुपये एक ही दिन में, जैसा कि आज भी 1 रुपया तकरीबन 50-60 पैसे बढ़ा है, तो आने वाले यानी कि कल मजीद 1.5-2 रुपये बढ़ सकता है। अगर रियाल रेट के मुतालिक बात करें तो आपको पहले एक्सचेंज रेट आप देख लें, 49.54 रुपये कल का रेट क्या था भाई, 48 रुपये तकरीबन 80 पैसे था या 85 पैसे, तो आज 49.54 रुपये यानी कि 49.5 से ऊपर हो चुका है, 50 के करीब हो रहे हैं आप। आपको मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से भी बता दूं, बैंक अल जजीरा की बात करूं तो 48.90 रुपये इनका रेट हो चुका है, हालांकि कल ही इनका रेट भाई 47.97 रुपये था, आज 48.90 रुपये 1 रुपये के करीब करीब एक ही दिन में बढ़ चुका है। और दूसरे इनकी फीस है STCPA की बात करें तो इनका 48.82 रुपये रेट हो चुका है, एंड तहवील राजी बैंक की बात करें तो 48.74 रुपये इनका रेट है, दसरेल फीस है वेस्टर्न यूनियन 48.97 रुपये, यानी कि वेस्टर्न यूनियन का रेट भाई इस वक्त 49 के करीब पहुंच चुका है, तो 23 रियाल इनकी फीस है जी। मनीग्राम की बात करें तो आपको 48.83 रुपये रेट मिल जाएगा इनका, 23 रियाल फीस है। टैली मनी ANB बैंक की बात करें तो 48.77 रुपये इनका रेट है। अगर अंजाद बैंक की बात करें तो अंजाद बैंक भाई इस वक्त 48.75 रुपये रेट दे रहा है, तो भाई 49 के ऊपर तो तमाम बैंक भी पहुंच चुके हैं, और अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो वो 49.5 से भी क्रॉस कर चुका है। आने वाले 1-2 दिनों में भाई रियाल 50 के ऊपर जाने वाला ये कन्फर्म बात है।